गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज है तारीख 24 अगस्त और सुबह के बजे अभी 8:30 तो मैं बना रही थी चाय और ये कैमरे में धुआं धुआं दिख रहा होगा, इस वजह से साफ नहीं दिख रहा है। तो मैं चाय लेने के बाद यहाँ पर सब्जी भी चढ़ा लेती हूँ पत्ता गोभी की। सो गाइस, ये मैंने बना ली है पत्ता गोभी, बघार लगा दिया है और अब मैं इसे ढककर पकाऊंगी। साथ में ये कुकर भी लगा दिया है और मैंने आप लोग को कई बार बताया कि हम लोग इस तरह से उबाल कर, पानी उबाल कर दाल डालते हैं, तो पानी उबल गया है, पानी में बॉईल आ गया है और मैं इसमें दाल डाल दूंगी। इससे क्या होता है कि दाल एक सीटी में ही अच्छे से पक जाती है। और ये हो गई हमारी दाल, मैं इसमें डाल दूंगी। दाल में सारे मसाले क्या नमक डाल दूंगी और हल्दी डाल दूंगी। अच्छा, कई लोग बिना हल्दी की दाल बनाते हैं, मतलब पहले ऐसे पका लेते हैं बाद में डालते हैं, क्योंकि कई लोग का ये रहता है ना कि बर्तन गंदे होते हैं, तो हम लोग तो ऐसा नहीं बनाते हैं। हम लोग इसी में ही डायरेक्ट डालते हैं, पानी में ही बॉईल मतलब सीटी में ले लेते हैं हल्दी डालकर। कई लोग अलग से डालते हैं बाद में। सो गाइस, ये देखिए बढ़िया से करौंदे आ गए हैं। इसकी मस्त खट्टी मीठी चटनी बनती है, बहुत ही टेस्टी लगती है। कभी बनेगी तो मैं आप लोग के साथ इसकी रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी। और मैंने दाल में छौंका लगा लिया है, थोड़ा सा धनिया पत्ती डाल दूँगी तो बढ़िया सी तैयार हो जाएगी दाल। और रात में हम लोग के यहाँ जीरा, रात में सुबह जीरा फ्राई दाल होती है, रात में टमाटर फ्राई। और ये पत्ता गोभी भी रेडी हो गई है, पक गई है, मैंने निकाल दी है। और ये मैंने दाल के बाद लगा दिए हैं आलू। आलू बॉईल करना है एक्चुअली, उबल के रख जाते तो सही रहता है, कभी कुछ बनाना होता है तो रहते हैं आलू, तो सही रहता है। और ये भुट्टे ले लिए हैं, शाम को हम लोग भुट्टे वगैरह, इस समय मौसम चल रहा है बारिश जैसे हो रही है तो ये भुट्टे आ रहे हैं सीजन में, तो अच्छा है, अच्छे लगते हैं। वैसे आप लोग को कैसे लगते हैं आप लोग भी बताइएगा, आप लोग के यहाँ क्या बोलते हैं, भुट्टे बोलते हैं, मुंटे बोलते हैं। गाइज़, अभी बज गए हैं 10:45 और मैं रोटी बना लेती हूँ। मेरा पूरा खाना बन जाता है, उसके बाद मैं लास्ट में रोटी सेकती हूँ और जैसे आते जाते हैं खाने के लिए उस हिसाब से मैं देती जाती हूँ रोटी। और हम लोग रात की भी रोटी सेक कर रख लेते हैं, वैसे तो कई बार कम हो जाती है, जैसे घट गई रोटी तो रात में फिर बना लिया, वैसे तो मैंने सेक के रख लेती हूँ। और हमारे यहाँ रोटी वैसे भी गर्म करके ठंड, जैसे सेक के रख लो तो ठंडी हो जाती है ना, तो उसको गर्म कर लेते हैं गैस पे, तो अच्छी लगती है वो। सो गाइस, वॉइस ओवर जब मैं कर रही हूँ तो खाना पीना सब हो गया था एक्चुअली, और इसके बाद मैं बाहर आ जाती हूँ तो यहाँ पर मूवी देख रही थी एक्चुअली। कुछ टीवी में मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, वैसे तो मैं 2-3 सीरियल देखती हूँ और मूवी में इंटरेस्ट नहीं है, तो ऐसे चल रही थी तो मैं बैठ गई थी। और आप लोग ये देख सकते हैं, ये कैलेंडर है, अभी एल्बम आया है तो उसने ये बना कर दिया है ऐसे, और सैनिटाइज़र रखा हुआ है। और एक्चुअली मम्मी पापा आज थोड़ा सा बाहर गए थे तो ये आ गए हैं वापस, और इसके बाद हम लोग भुट्टे सेकते हैं। पापा मुझे छील छील कर देते जा रहे थे भुट्टे और मैं सीखती जा रही थी। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे एंड सेफ होंगे। आज है 24 अगस्त और अभी शाम के बज गए हैं 6, और बस मैं थोड़ा सा ना एक्चुअली कल जो मैंने बुआ के यहाँ साड़ी पहन के गई थी तो उसकी ना फॉल निकल गई है, तो मैं सोच रही हूँ उसको थोड़ा सा कर लेती हूँ सही, क्योंकि अभी नई साड़ी है, 2-3 बार पहनी हूँ और पता नहीं आजकल कैसे फॉल लगाते हैं, तो वो ना उसकी फॉल निकल रही है, तो मैंने सोचा चलो उसको लगा लेती हूँ। और साथ में आज पापा का थोड़ी सी पैंट में तुरपन भी करना है तो वो भी कर लेती हूँ, तो बस मैं वही कर लूँ फिर इसके बाद जाऊँगी बाहर। और हमारे यहाँ जो काम में आती हैं दीदी, वो बस वो काम कर रही हैं, बर्तन वगैरह जमा रही थी तो मैं बस आ गई थी रूम में, थोड़ा सा ये काम कर लूँ उसके बाद फिर जाती हूँ बाहर। तो ये जो आप डिब्बा देख सकते हैं, ये धागे सुई धागे का, ये मेरी शादी में मेरी मम्मी ने रखा था। शादी में, लड़की की शादी में हर कुछ मतलब सब चीज़ रखा जाता है।
पेटी में। तो यहाँ पर मेरी मम्मी ने ये सुई धागा का डिब्बा और धागे वगैरह सब रखे थे। और ये देखिए वाली साड़ी, जैसे कि मैंने बताया ना आप लोग को कि ये साड़ी की ना फॉल अपने आप, पता नहीं धागा छोड़ रही थी तो खुल गई थी। मैं आकर देखी बुआ के यहाँ से, तो मैंने सोचा यार लगा लेती हूँ, नहीं तो ये साड़ी फिर नहीं लगेगी तो फिर वो पहनी नहीं जाएगी। वो फंस के गिरने में, मतलब फंस के लग डर रहता है ना कि फंस के गिर ना जाए, तो इसलिए मैंने सोचा उसको लगा लेती हूँ, नहीं तो फिर वो ऐसे ही पड़ी रहेगी। अपनी शादी का एल्बम दिखाऊंगी, हाँ दिखाऊंगी, बट अभी थोड़ा टाइम दीजिए क्योंकि ना वो जो एल्बम है मेरा वो ताई जी के यहाँ गया हुआ है, तो अभी आया नहीं है, इस वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रही हूँ। जिस दिन आ जाएगा तो मैं आप लोग के साथ डेफिनेटली उस वीडियो को जरूर शेयर करूंगी, क्योंकि मैंने पोस्ट डाला था थोड़े दिन पहले तो काफ़ी लोग के कमेंट आ रहे थे कि दिखाई दीदी, तो मैं ज़रूर दिखाऊंगी। इसके बाद मैं बाहर आई तो प्रेस वाले कपड़े रखे थे, तो मैंने सोचा चलो कपड़े जमा देती हूँ। प्रेस के कपड़े आ गए हैं और मैं इनको जमा दूं जहाँ के तहाँ, नहीं तो फिर ये फैले फैले अच्छे नहीं लगते हैं। सो गाइज आप लोग देख सकते हैं अलमारी कैसी फैली हुई है। मैं एक्चुअली इनके कपड़े लगा लगा कर रखती हूँ और ये पूरी फैला देते हैं, तो बस अभी मुझे फिर से एक दिन अच्छे से इनकी कवर्ड अच्छे से सेट करनी है। और एक साइड मेरे कपड़े रखते हैं और एक साइड इनकी। स्लाइडर लगा हुआ है तो काफ़ी अच्छा लगता है अलमीरा। मुझे पहले डर लगता था, पता नहीं ये कहीं ख़राब हो गया ये वो, तो खैर अपने यहाँ शोरूम का काम है, लकड़ी फर्नीचर का काम है, ख़राब हो भी जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, जल्दी ठीक हो जाएगा। और हमारे यहाँ ना शाम को आता है दूध, तो ये दूध वाला आ गया था दूध लेकर, तो मैं इसे छन्नी से छान लेती हूँ। और हम लोग के यहाँ सुबह नहीं आता है दूध, शाम को आता है। अभी लगभग 7 बज गए हैं और 7:15 हैं, आप लोग पीछे देख सकते हैं, पीछे घड़ी टंगी हुई है। तो मैं वापस ले आती हूँ दूध वाले को। गर्मा गर्म भरता बन गया है और दाल का मिक्सचर मैंने फ्राई कर लिया है, टमाटर नहीं डाली है, जब खाएंगे सब लोग तो मसाला बनाकर तैयार कर लिया है, दाल जब खाएंगे तब डाल दूंगी और एक बॉईल ले लूंगी। और ये दूध हमारे यहाँ शाम को आता है तो ये बॉईल होने के लिए मैंने रख दिया है, साथ में यहाँ पर राइस लगा दिया है और ये आटा भी गूंथ लिया है, आज गरम गरम रोटी सेकूंगी। ये बर्तन रखे हुए हैं, बर्तन जमा लेती हूँ मैं। तो फ्रेंड्स वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ, आई होप आप लोग को ब्लॉग अच्छा लगा होगा, ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आप तक पहुँचे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।